are waiting for sunrise and I think over there. Iska photo khicho. Wow. Sikh gaye. Oh my God. Now Viral Bhayani. And the layer. चलिए सीधा जाना क्या बात है क्या बात है लाइटिंग सेटिंग वेलकम बैक टू दिस चैनल दोस्तों दिस इज प्रिंस सर हम आज रहे स्पिरिट न्यूज लाइव के साथ आज है 10 अप्रैल श्री राम नवमी का दिन है सबसे पहले जय श्री राम दोस्तों और आज की राइड होने जा रही है टू अक्कायम्मा देवी टेंपल हिल विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 27 टू 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर फ्रॉम द बैंगलोर टाइम हो चुका है लगभग 5 हमें निकलना था 4:30 लेकिन एक दोस्त ने लेट कर दिया इसकी वजह से 5 बजे निकल रहे हैं बट आई होप सनराइज से पहले पहुंच जाए और वहाँ हिल के ऊपर जाके हम सनराइज को कैप्चर करें तो हम राइड कर रहे हैं मेरे सबसे फेवरेट रूट पे बैंगलोर का एयरपोर्ट रोड तो एयरपोर्ट तक जाना नहीं है उससे पहले हमें एक राइड लेना है थोड़ा सा पहले तो लगभग 20-25 किलोमीटर का एयरपोर्ट रोड है बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं भाई एयरपोर्ट रोड की राइड बहुत ही जबरदस्त राइड होती है यार बहुत एंजॉय करता हूँ मैं जब भी इस रोड पे आता हूँ चाहे साइकिलिंग हो चाहे बाइक राइड हो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स पे भी राइड हो रही है ग्रुप में अपने अपने मजे हैं और अपना तो एक ही मन करता है कि हायाबुसा को भी देखे हेलो मिस्टर केटीएम हमारे स्कूटर वाले भैया पीछे रह गए नेपाल जाके एक स्टॉप लेते हैं 2 मिनट के लिए दिस इज नेपाल क्या बात है हम सोचे हम आपके लिए वेट करेंगे आप पीछे रह गए और गुप्ता जी क्यों लेट किया यार 1 घंटा हाँ भाई उठने के बाद जबकि किस का बात की ये वो एकदम पीके में नहीं आता है आमिर खान जैसा लगता है हेलमेट में ओ मैन अगेन बहुत ध्यान से राइड कीजिए बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल्स आते रहते हैं सो हियर नो ओवरटेकिंग राइड स्लोली केयरफुली थोड़ा और आगे है चिकजाला सो द राइट टर्न टेक्स अस टू चिकजाला यहाँ से हमने किया एंट्री देन अगेन द लेफ्ट छोटा गांव है गांव से गुजर के जा रहे हैं तो इस गांव का नाम ही चिकजाला है ओके सो ऊपर वहां पे दिख रहा है पहाड़ छोटा सा उसके ऊपर एक मंदिर है आई थिंक दैट्स द वन एंड और एक बाइकर ऑलरेडी जा रहा है आगे वाओ दिस इज लवली ए ऊपर जा सकते हैं ना ब्रो चलिए तो फिर दिस इज फॉर पेडेस्ट्रियंस यहाँ पे चल के जाने के लिए आई थिंक स्टेयर्स है यही पे वंडरफुल मैन दिस इज अमेजिंग एग्जैक्टली लाइक अ मून यहाँ पे एक राम मंदिर है जय श्री राम
बहुत बड़ा पत्थर है यहाँ पे एंड दैट्स द मूनलाइट ओवर देयर लाइट बढ़िया सी जगह है पहले एक्सप्लोर कर लो फिर बैठना ही है। हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री राम फ्रॉम अक्कय अम्मा देवी हिल। और ये हमारे जुगाड़ू यहाँ पे दान देने के लिए ये कैमरा ले आए। किसी जरूरतमंद को दान दिया जाएगा अगर किसी को जरूरत है। हाँ आखिरी बार इस्तेमाल करने दो भाई साहब को, इसका दिल भरने दो। वाओ गिव अ लाइक टू दिस शॉट, नाइस पीसफुल बढ़िया जगह है, फोटोग्राफी के लिए भी अच्छी है। थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया है, दूसरी तरफ और बाकी है एंड वी आर वेटिंग फॉर सनराइज एंड आई थिंक ओवर देयर वहाँ पे सनराइज हो रहा है। तो वहाँ पे हो रहा है सनराइज। तो थोड़ी सी फोटोग्राफी हो गई है, फोटो और ये रील बनाने की तैयारी, वायरल होने की तैयारी। अब तक 500 रील बना चुका है लेकिन एक पे भी 100 लाइक नहीं आए। कहाँ पे फ्लाइट? अच्छा वहाँ पे दूर है। गो क्लाइंब एडवेंचर बिगिंस। यो ओम नमः शिवाय, हर पत्थर पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। यहाँ पे शिव जी की एक छोटी सी पेंटिंग की गई है शिवलिंग की। लेकिन समर सीजन है इसलिए हवा कम है, वो हवा वो ठंडी सी फीलिंग वो नहीं आ रही है। कैसा है नजारा? हाँ बस इंश्योरेंस है बैग में क्या? पैसे वैसे तो बैग यहीं पे रख दो। फोटोग्राफी स्किल्स पहले से बताओ कैसे करते हैं? ये अपने पहले आंख के अंदर डालो, आंखों में डालो, फिर ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, इसका फोटो खींचो। वाह सीख गए। सर्टिफिकेट लाओ भाई सर्टिफिकेट। मजा आ गया था इधर, काफी बढ़िया जगह है एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ। चलो कहीं भी चलते, फोटोग्राफी के लिए बहुत सारी जगह है एंड गुड टाइम टू स्पेंड हियर अ फ्यू आवर्स। ये फोटो भी अच्छी आ रही है वहाँ पे देखो। हाँ यार। क्लिक लेते हैं। ए हाँ एक मुकेश ऐसे खड़ा ब्रो, एक फोटो लो ब्रो मेरा। नहीं आएगा भाई इसमें लो ना तो पूरा ऊपर। हाँ वहाँ पे जाके आते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स अ नाइस वॉइस। चढ़ाई हो रही है, दैट्स द टेंपल, देवी जी का मंदिर है यहाँ पे। तुम खड़े हो जाओ बस, चश्मा पहन। मेरा शेर हो जाता है। ऑलमोस्ट 1 आवर हमने स्पेंड कर दिया है, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। फोटोग्राफी कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स लीव नाउ
आराम से आके आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही नज़दीक है, इतना दूर भी नहीं है, जस्ट 30 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 मिनट्स आराम से आओगे तब। हाँ, रील बनानी है, बनाना है। चलो रील बनाते हैं इसकी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जोगिंदर, ओहो काफ़ी सारी बाइक्स आ गई है, बहुत सारी बाइक्स आ गई है। अब तो संडे का दिन है, ऑब्वियसली लोग आएंगे। वहाँ से वो रास्ता जा रहा है टेंपल, और वहाँ पे आप जो छत देख रहे हो वो एक टेंपल है। सो लेट्स गो बैक नाउ। छड़े कहाँ से थे? वहाँ से आए थे हम। यस, अभी कौन थारा भाई? युवराज भवंडर ला लेगा, देखो उधर ला लिया वो वहाँ पे। यस दिख रहा है। ओ हो हो, देखा इतना पावर है युवराज। बढ़िया सी जगह पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। एंड द लेयर दिखा रहा हूं, केटीएम वहां पे उधर रखा है क्या? देयर इज अ प्रो राइडर ओवर हियर। रील बनाने दो। चलो लेट्स से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड लीव। आगे चलो भैया, केटीएम वाले भैया। ओके, वाओ व्हाट अ वंडरफुल मोमेंट। हाँ वो नहीं मिला, वो रूट भी काफी बढ़िया है, जगह भी अच्छी है, और ऐसी जगह पे है। व्हाट अ वंडरफुल व्यू मैन। सो वी आर लीविंग अराउंड 7:20, तो लगभग 40 मिनट्स तक घर पहुंच जाएंगे। एज यूजुअल 8 o'clock टू बिजनेस। थोड़े टाइट टर्न्स है, हैव टू राइड केयरफुली। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर राइड एंड एंडिंग द वीडियो। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। यहाँ पे डेकेथलॉन है, डेकेथलॉन के बहुत करीब है ये। सो गाइस सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, किसी अच्छी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अंटिल देन सी यू गाइस।